मेरी नज़रों से एक सवाल गुजरी और सवाल था कुछ स्प्रिंग पे। आईआईटी एडवांस की खास बात होती है, ये जो सवाल पूछते हैं ना, इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। ये सवाल है ना, बड़ा ही पेचीदा किस्म का लग रहा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का लग रहा है। अब इसमें उन्होंने ये पूछा कि अगर आप सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, ये जो मास आपके सामने दिख रहा है उसको आप जरा सा नीचे की तरफ खींच दें, तो बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी और हमारी जो ये चैनल है उसमें हम बात किस चीज की कर रहे हैं। बोलो भाई, किस चीज की बात करते हैं? हार्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स की। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ही हार्ड, उसे हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसकी थिंकिंग करेंगे। तो हम उन टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाएंगे जहां पर आपको बता दें कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या करना है। मेरा अगर पहला वीडियो नहीं देखा आपने, ऑब्वियसली आपने देखा भी नहीं होगा, तो पहले वीडियो को जाके जरूर देखो, आई बटन पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने डिटेल में बात कर रखा है, यानी तकरीबन 20 मिनट मैंने इस चीज पे ही डिस्कशन कर दिया है कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करते हैं। तो उसे जरूर देखो। बोल सकते हो पहली नजर में जब देखोगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को ला दिया तो ये जो स्प्रिंग है अब ये स्ट्रेच होकर एक एंगल बना रहा है भाई यहां पे, ठीक है। अब स्प्रिंग में कुछ ना कुछ फोर्स तो जा रहा है, ये फोर्स कुछ तरह से होगा, जब ये रिलीज होगा तो क्या होगा, ये दोनों स्प्रिंग कभी कभी इसे इधर खींचेंगे और फिर ये पुल इस तरफ होगा। जब ये पुल इस तरफ हो जाएगा तो फिर ये स्प्रिंग इसको इस तरफ खींचेगा और फिर कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन इस तरफ को प्रोड्यूस होगा और कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सीलरेशन होंगी भाई साहब। तो आखिरकार हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, किस तरह सोचें, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉब्लम काफ़ी हार्ड हो गया क्योंकि इसमें दो तीन सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। पहली तो है स्प्रिंग की कॉन्सेप्ट, सेकंड है वेक्टर की कॉन्सेप्ट, फोर्स हो रहा है तो क्या होगा, और थर्ड है क्या इसमें कुछ, इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो किस तरह की एक्सीलरेशन होंगी। तो आप सोचेंगे यार ये इतने कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व कैसे करें। अब यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे सोचें। तो मेरा पहला उसूल था, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मिले तो पहले ट्राई करो उसे सिंप्लीफाई करने की। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लो, क्या हम उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, तो भाई हमारा काम आ गया। तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक स्प्रिंग है और एक मास अटैच है, तब हम इसकी फ्रीक्वेंसी या एक्सीलरेशन कैसे लिखते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिंप्लीफिकेशन मेरा ऐसा आ गया। सेकेंड चीज, आगे हमें दिख रहा है कि अगर मैंने इसको इस तरफ को खींच रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन इस तरफ भी होगा। तो मान लो कि ये जो स्प्रिंग है ये नहीं होता, तब क्या होगा। अगर मैंने सिर्फ डाउनवर्ड की तरफ खींचा तब कुछ वेलोसिटी ये उधर को तरफ तो जाएंगी और कभी कभी इस तरफ को जाएंगी, तब उस सिचुएशन में चीजें किस तरह को दिखेंगी। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मास अगर इस तरफ डायरेक्शन है ना, सेम टू सेम डायरेक्शन है, उसे नहीं आके मैं इसे खींच देता हूँ, ये एंगल बनाता है, बिकॉज यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है ना भाई, ये जो एंगल बना रहा है तो इस एंगल वाले को मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो इस एंगल वाले को मैंने देखा कि एक ही स्प्रिंग के साथ अगर मैंने मास को इस तरफ खींचा, कुछ अलोंग द एक्स एक्सिस खींचा और कुछ अलोंग द वाई में चेंज हो रहा है, तब इसके साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड भाई मैं बताता हूँ कि चलो भाई अब दो स्प्रिंग डालते हैं तब क्या होता है। तो मैंने ये स्प्रिंग को मास के साथ इस तरह से अटैच किया और मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं पहली बार डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दूं तब क्या होगा, बिकॉज हमारी जो एक स्प्रिंग है वो ऐसे हो रही है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो मुझे तो पता चल गया कि वन स्प्रिंग के साथ क्या हो रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा अगर मैंने इसे कुछ दूर तक खींच दिया। तो जब मेरी ये सारी सॉल्व हो जाएंगी तो मुझे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मैंने इसे धीरे धीरे छोटा कम कर दिया और फाइनली हम सॉल्व करेंगे अपनी रियल प्रॉब्लम को। तो ये हमारा गोल है। मजा आ रहा है? तो अच्छा, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं आप? अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो वो भी बताएं, और डिसएग्री करते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें कि अच्छा ये मेथोडोलॉजी काम करेगी कि नहीं करेगी। अरे लिखो भाई, क्या कर रहे हो, बैठे क्यों हो, लिख दो पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो चलें, तब तक आप लिख रहे हो, पहले सिंपल प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लें, है कि नहीं। तो पहला करते हैं हम, अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस यहाँ कर दिया तब क्या होगा। तो मान लेते हैं इसकी जो पहली ओरिजिनल लेंथ थी उसकी यहाँ क्या थी,
एल थी, है ना। और अब मैंने इसको डिस्प्लेस किया एक्स डायरेक्ट एक्स तक डिस्प्लेस किया, तो यहां से मैंने डिस्प्लेस किया, तो बताएं तो फोर्स इस पर कितना लगेगा। तो अगर आप यहाँ खींच के यहाँ लेके आओगे तो स्प्रिंग पे मुझे पता है कि फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स इस तरफ को जनरेट होगी जो बोलेगी तू छोड़ भाई, देख अगर तू छोड़ दिया इस ब्लॉक को मैं डायरेक्ट खींच लूंगा उसे, ठीक है ना। हुक्स लॉ काम करता है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है, जो स्प्रिंग फोर्स है बेसिकली वही क्या कर रहेगा, जनरेट कर रहा है ना, अगर तूने जैसे छोड़ दिया वही एक्सेलरेट जनरेट कर रहा है, तो बोलेगा इस मास पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जनरेट कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, ये फोर्स स्प्रिंग जो कर रहा है जो तूने इसे डिस्प्लेस किया। तो ये क्या बोल रहा है, माइनस के, जो स्प्रिंग की कांस्टेंट है के मान ले तू, और ये बोल रहा है कि जितनी आपने टोटल लेंथ चेंज की, तो लोग डायरेक्ट लिखते हैं एक्स, तो भाई ये जो है यहां लिखते हैं ना वो डेल्टा एक्स है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है समझ लियो एक बात, एम टाइम्स ए, और ये जो एक्स है वो इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, माइनस के। अब डेल्टा एक्स क्या मैं लूं, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा एक्स आ जाएगा जो पहले इसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, एल प्लस एस वी जो स्ट्रेच होके थी, और ओरिजिनल क्या थी इसकी, एल थी, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बाद में काम आएगा। देन ये एल एल कैंसिल और तुम्हें मिल जाएगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, तो यही तो बताते हैं ना, डायरेक्ट लिख दो के एक्स इज इक्वल टू एम ए, अगर ये स्टेप तूने नहीं किया तेरा बंडा फूट जाएगा भाई, बहुत बुरी तरीके से बंडा फूटेगा, ठीक है, बिकॉज जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है ना उसमें ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बने हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट रखती है अब यहां भी देखेंगे हम, ओके। तो ये हो गई मेरी एक्सीलरेशन की कॉन्सेप्ट, और यहां से मैं क्या करता हूं, ए इज इक्वल टू मैं लिखता हूं माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स, वो क्या कहता है मुझे, ये के बाई एम जो कहता है वो बोलता है कि भाई इसे तू ओमेगा स्क्वायर डिफाइन कर दे, और ए जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एस एक्स हो गई। तो यहां से हम इसकी पूरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसका पूरा बंडा फोड़ कर लेते हैं, कितना सिंपल है ना, अगर ये थीटा है ये थीटा है, यहां से मैंने ये लिया कि ये जो है कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, तो मैं यहां देखूंगा कि इस पे फोर्स इस तरफ है, अगर मैंने यहां थीटा बना लिया बिकॉज इसके पैरेलल तो बना ले यहां थीटा, ये थीटा है, तो तुझे पता है कि एफ कॉस थीटा होगा, इधर होगा, इधर भी होगा एफ कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, और एक तरफ आएगी एफ साइन थीटा और दूसरी तरफ भी आएगी एफ साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, जब ये स्प्रिंग दब रहा है तब फोर्स कहाँ जाएगा भाई, उस तरफ जाएगा, तो दो तरफ क्या आ गई मेरी, टू एफ कॉस थीटा, और फिर इस स्प्रिंग की वजह से एक आ गई एफ एस, प्रोड्यूस क्या करेगा, एम टाइम्स एक्सेलरेशन कर रहा, बोलो 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 करा, अरे बोल दो, बोलो हाँ करा, वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, है ना, माइनस के वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, समझ में आ गया, एंड माइनस के वाई, अरे भाई एम टाइम्स ए, ठीक, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस के बाय एम विद नॉन लीनियर एंड अगेन सम लीनियर। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती हैं तो एक तरफ हमारा क्या आएगा, कुछ लीनियर टर्म आएंगे और फिर कुछ साथ में इसके नॉन लीनियर टर्म्स भी आएंगे, तो अब दोनों के लिए तैयार है कि नहीं। और फिर यहां से हम जब इस इक्वेशन को पूरा का पूरा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और तभी हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी,